ये चलचित्र समर्पित है उन हजारों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को जो इस चित्र निर्मिति की प्रेरणा है, जिन्होंने आर्थिक उन्नति के द्वारा अपना जीवन समृद्ध किया और स्वयं को इस विकास अभियान का सहयोगी बनाया। इस चित्र की संकल्पना और कथा विशेषतः दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र के दगड़पाड़ा, खटाम्बा, बोरियास, लाचकड़ी, पेट, जवाहर, इगतपुरी आदि गांवों के रहवासियों के जीवन अनुभव पर आधारित है। बायफ के अनेक सहभागियों ने इस निर्मिति प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना योगदान दिया है। बायफ उनकी ऋणी है। भारत सरकार, गुजरात सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार एवं नाबार्ड और KFW जर्मनी, इन सब ने इस प्रकल्प को संभव किया। बायफ उनके प्रति कृतज्ञ है। मैंने चुन लिया है ये रास्ता, या उसने चुन लिया है मुझे, ढूंढू अपनी मंजिल को या मंजिल ढूंढती है मुझे। Destination, I don't care. I want to reach nowhere. Destination, I don't care. I don't care. I just don't care. I don't care. Stop! 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 अरे रावा, मरवाएगा तू मुझे एक दिन। याद है ना बचपन में मेरी जीप के नीचे आया था? तो बैठ पीछे। कहाँ जाना है? बस आपके पीछे पीछे। हाँ लेकिन मेरे पीछे कहाँ तक? मुझे क्या पता, रास्ता तो आपको मालूम है ना। अरे तुम्हें कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? मारूंगा। सुना है आप जा रहे हैं? हमें खबर तक नहीं दी आपने। जी वो थोड़ा वाइंडिंग अप में बिजी था, 5 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था, टीम में से कुछ लोग रहने वाले यहाँ कुछ दिन। तो अब कहाँ, पुणे, मुंबई या दिल्ली? मुंबई। अच्छा एक दो दिन तो रहेंगे ना, सो आई विल ट्राई टू मीट। अगर समय मिलता तो शासन की ओर से आपका सेंड ऑफ अरेंज करते हम। जी वो एक्चुअली दैट्स ओके एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साहब आप कल जा रहे हो? हाँ परसों। हमें बताया तक नहीं। मेरा 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब? मतलब आप मुंबई जाओगे ना? हाँ ठीक है, मैं भी मुंबई जाऊँगा। अरे ये इलाका तुम्हारा है ना, तुम क्यों मुंबई जाओगे? तो क्या मुंबई तुम्हारी है? अब कहाँ चले, पैदल जाओगे क्या इतनी दूर? क्यों उलूला हूँ, लंगड़ा हूँ, रास्ता नहीं मालूम? मिजाज हो गया तुम्हारा गरम। रावा सफर का हर एक लम्हा बन जाए जब मकान, बन जाए मकान। सफर का हर एक लम्हा जब बन जाए मकान, दिल ना पूछे किसी गांव का नाम। क्या आगे जाना और क्या पीछे मुड़ना, कहीं पंछी झील में और मछली को है उड़ना। इस ओर में, उस ओर में,
और बीच पड़ा ये रास्ता, ये रास्ता destination I don't care I wanna reach nowhere destination I don't care I just don't care just I don't care Suresh ji आप कहीं जा रहे हो? हाँ सर, वो फील्ड मीटिंग एक्चुअली मैंने पोस्टपोन करना चाहा, लेकिन उनके यहाँ के फोन नहीं लग रहा है. बट यू प्लीज डोंट वरी, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन कम्प्लीशन ऑफ योर रिपोर्ट. या कल तक आपको सारी फाइलें रेडी मिल जाएंगी. हाँ. और हाँ, वो असीमा जी के यहाँ से डॉक्यूमेंट्री की फाइनल डीवीडी आ गई है और उसके साथ ओरिजिनल फुटेज भी है. थैंक गॉड. आई लाइक टू ब्राउज थ्रू इट बिफोर आई राइट माई फाइनल रिपोर्ट. वो कोड़कू के पास दिया है. ओके. और क्या पता सब लोग कैसे जान गए मैं दो दिन में यहाँ से जाने वाला हूँ. कितने सारे गिफ्ट्स भेजे, हर किसी को कुछ पूछना था, कुछ बताना था, उसी में वक्त निकल गया. रास्ते में रावा मिला था, उसके बाद कलेक्टर साहब भी मिले थे. तब तक शाम हो गई, अब रात भर लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा. बाय. साहब बड़ी देर कर दी. सुरेश साहब आपकी राह देख रहे थे, अभी गए. हाँ मिले थे मुझे. ये औरतों की मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही थी. सर वो विदाई की मीटिंग थी ना. ये विदाई आभार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. कोलगू, अभी तक सामान की पैकिंग भी नहीं हुई है. सर आप चिंता मत कीजिए, मैं वो सब कर दूंगा. पापा की चिट्ठी. चिरंजीव कार्तिक, अनेक आशीर्वाद. वैसे तो दो ही दिनों में तुम वापस आ रहे हो. साथ में दो एड्स भेजे, वो एकदम ध्यान से पढ़ना और उसके अनुसार चिट्ठी मिलते ही जॉब एप्लीकेशन भेज देना. ओ गॉड. तुम जानते हो ये कंपनी कितनी मशहूर है और ये जॉब तुम्हें मिलने के 90% चांसेस हैं, क्योंकि मेरी मिस्टर पूनावाला से बात हुई है. सोच लो, मेरी जो आज हाईएस्ट ग्रेड है उससे भी ज़्यादा तुम्हारी स्टार्ट की सैलरी होगी. चिट्ठी मिलते ही तुम घर पर फ़ोन करो. तुम्हारे फ़ोन की राह देख रहा हूँ. तुम्हारा बाबा. ताज़ा कलम. तुम्हारी माँ ने याद दिलाई है कि तुम्हारे वृंदावन के प्रोडक्ट्स ज़रूर ले आना, मतलब अचार, आमरस, काजू वगैरह वगैरह. बस अब मैं नहा के रिपोर्ट लिखने बैठूंगा. सुनील को छुट्टी आज. हाय असीमा, तुम्हारा भेजा हुआ डॉक्यूमेंट्री का फुटेज और फाइनल डॉक्यूमेंट्री दोनों मिल गए. उन्हीं की मदद से मैं अब मेरी फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट करूंगा. थैंक्स. पहले मैं फुटेज देखूंगा. 5 सालों का मेल बॉक्स मैंने संभाल के रखा है, वो ब्राउज करने में आज बड़ा मजा आएगा. कल यहाँ का आखिरी दिन, मैं मेरा पूना पहुँचने का टाइम कल SMS कर दूंगा. 9/11 का दुनिया पे क्या असर हुआ भगवान जाने, पर मुझ पे कितना हुआ है देखो. अमेरिका जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी. माँ बाबा ने घबरा कर जाने नहीं दिया, बोले कुछ दिनों के बाद जाओ. और मैंने गुस्से से ये नौकरी ले ली, NGO दूर इंटीरियर में, कम तनख्वाह. सोचा माँ बाप का इम्तिहान लूंगा. मेरी जिंदगी है, एक बार मिली है, मैं चाहूँ जैसे जीऊँगा. लेट मी लिव इट इन माई स्टाइल. वो नहीं समझ सकते, तुम समझ सकती हो ना. सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, देखते ही देखते वापस जाने के दिन आ गए. तब 5 साल भी कितने लंबे लगे थे, पर अब वापस जाने के विचार से मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही. तब मैंने इंटरव्यू भी कितनी बेदरकारी से दी थी.
मैं कार्तिक सूर्यवंशी, MBA पास आउट विद डिस्टिंक्शन, अविवाहित। उम्र आप जान गए होंगे। अब ये जॉब लेने का एक ही हेतु है मन में, यहां से भागना, शहर के बाहर की जिंदगी देखना, जिस शहर में माँ बाबा रहते हैं वहां से दूर जाना। सैलरी या इट्स ओके, नो कॉफी शॉप्स, नो मॉल्स, क्या करूं पैसे का? काम, आई एम सॉरी, स्पेसिफिकली नहीं जानता। नेवर माइंड। माय हॉबीज, फोटोग्राफी, म्यूजिक। कैसी एनजीओ? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, या आज के टर्म्स में हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इनकम जनरेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू सर, आई ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। हैव अ गुड डे सर। पिछले 5 सालों की एक एक ब्लॉक की लिस्ट बनाना आसान है। 2000 वाड़ियाँ, 25,000 संकरित गायें, 125 बचत गुट, 2500 वाटर शेड प्रकल्प, पर सचमुच का काम उनसे कितना व्यापक है? बाबा के खत को क्या जवाब दूं? मुझसे तो बाबा को फोन भी नहीं होता। कार्तिक, जब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती हूँ तो कभी कभी मुझे बहुत सारे सवाल सताते हैं, जैसे कि मैं ये फिल्म क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, क्या मुझे कौन पैसे दे रहा है, और ये बनाने से या देखने से क्या किसी का फायदा होने भी वाला है या नहीं, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये आई डोंट नो, ये एलिट लोगों के लिए है या पॉलिसी मेकर्स के लिए है या गरीबों के लिए है, और इन सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिलते। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे काम में तुम्हें ऐसे सवाल सताते हैं? तीस साल से भी ऊपर हुए हैं। काका जी ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, वे हमारे कॉलेज में आए थे और उनका भाषण सुन के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था, तभी से इसी काम में हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, बट दैट हैज़ गिवन मी अ ट्रिमेंडस सेटिस्फैक्शन। वैसे तो हमारा पशुधन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पर काका जी चाहते थे कि हम उनकी उत्पादकता सुधारें। हमारी अर्थव्यवस्था, खास करके देहातों की अर्थव्यवस्था, ऐसे ही पूर्व उद्योगों पर निर्भर है। मैं इस काम में कैसे आया इसके बारे में बताना तो बहुत मुश्किल है। वैसे मैं यही का हूँ और बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, खेती बाड़ी है घर की, खेती से वैसे गुजारा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं शहर नहीं जाना चाहता, शायद मेरा बेटा भी नहीं जाएगा, और वो जब बड़ा हो जाएगा तब तक हालात भी बदल चुके होंगे। और वैसे वाड़ी प्रोजेक्ट की तो खूबी यह है कि जैसे अभी काजू हो या आम हो, इसका तो मार्केटिंग चलता रहेगा, वो तो हम कलेक्शन करते हैं, हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे टमाटर है या मशरूम है, ऐसी कुछ सब्जियाँ भी बनती है और वो मुंबई के मार्केट में अभी जाने लगी है। वैसे तो हम आदिवासियों में अभी तक लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, पर मेरे पिताजी ने, वो मजदूरी करने शहर जाते थे ना, वहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों को देखा था और वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह पढ़ लिख के होशियार बनूं। मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है। प्रोजेक्ट खत्म होने से मेरा काम खत्म नहीं होगा, औरतों को सक्षम बनाने की प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। बस थोड़ा आधार मिलने से औरत पूरी जिंदगी बदल सकती है, खुद की और परिवार की भी। हाँ, अब औरतों के बचत के गुट जो बन गए हैं, उनकी फेडरेशन बनेगी, औरतें खुद चलाएंगी वो। 12वीं पास करके ग्राम विकास का डिप्लोमा किया है मैंने, अगर चांस मिला तो मैं भी शहर जाऊंगा। आजकल देहातों की पढ़ी लिखी लड़कियां देहात में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्हें तो शहर के लड़के अच्छे लगते। आपकी ओर देख के बोलो ये। आजकल युवकों को लगता है झट काम और फट पैसा आना चाहिए। पहले गॉगल और जीन खरीदेंगे और एक बाइक।
कैमरा में। मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि आज तक हमारी जो एनजीओज है, जितना मैनेजमेंट एफिशिएंसी के बारे में सोचना चाहिए उतना सोचती नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन चैनल्स का ड्राफ्टिंग भी ठीक तरह से होना चाहिए, और सबसे अहम बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, जो हमारे भारतीय जनमित्र फाउंडेशन में निश्चित स्वरूप में है। सॉरी, आई एम अ बिट कैमरा कॉन्शियस। हमारे देश के जो भी लोग विकास के कार्यक्रमों से परिचित है वो भारतीय जनमित्र फाउंडेशन के काम से भी परिचित होंगे ही। भारतीय जनमित्र फाउंडेशन लोगों को खुद पे निर्भर होना सिखाने का लक्ष्य रखता है। जहां कुछ ही साल पहले रूखे पहाड़ और सूखे झरने थे, वहां आज हरियाली छा गई है और बहते पानी के संगीत से वातावरण गूंज उठता है। लोगों के चेहरे पर की उदासी और चिंता की जगह अब आत्मविश्वास और खुशी ने ले ली है। अपने परिसर का ज्ञान, नई कुशलताएं, इनसे प्राप्त किया हुआ भौतिक विकास और सामूहिकता और सहकारी भावना से प्राप्त किया सुख यहाँ के लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ता है। सिर्फ 4-5 सालों के पहले की बात है, गर्मी के दिनों में हर साल बिना पानी मानो सूखा ही पड़ जाता। गांव के गांव मजदूरी करने शहर चले जाते और फिर बारिश शुरू होने से थोड़े पहले खेती का काम करने वापस लौटते। हर साल का यह विस्थापन यही जिंदगी का नियम था। फिर परिवार का आरोग्य हो या बच्चों की शिक्षा, इनके बारे में सोचने की कोई शक्यता ही नहीं थी। आजादी के इतने साल गुजर गए, तब भी क्या कुछ भारतवासियों को पेट के पीछे भागना पड़े? किसी को तो इसमें बदलाव लाने के लिए पहल करनी होगी। संकरित गाय से दूध का उत्पादन, छोटे जमीन के टुकड़े पर बनाई हुई आम, काजू या फूलों की वाड़ी, पूरे गांव ने श्रमदान से बनाए हुए बांध और महिलाओं के बचत किए हुए पैसे का आधार, इन कार्यक्रमों ने आदिवासी विकास की नींव डाली है। लोगों की जरूरतें जानकर वो पूरी करने के लिए उन्हीं की मदद से और भी अनेक छोटे मोटे कार्यक्रम शुरू हुए हैं। सबका लक्ष्य एक ही है, शाश्वत उपजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, आदिवासियों की क्षमता और आमदनी बढ़ा के गरीबी हटाना। जब पहले 100 रुपए के नोट देखी तब बूढ़ा हो चुका था मैं, तब तक 100 रुपए के नोट देखी ही नहीं, इतने गरीब थे हम लोग। मुझे गांव के सरपंच को 10 रुपए देने थे। अब रात को भी लोड शेडिंग, उसे लेकर 15 कोस पैदल गया 10 रुपए में अनाज बेचने के लिए। बाद में May 15, 2004, आज प्रोजेक्ट की पहली एनुअल रिव्यू मीटिंग थी। मैं तो पूरी तरह से निराश था। सर, प्रोजेक्ट की पहले ही तो रिव्यू मीटिंग है, आप खामखा इतने निराश हो रहे हैं? सुरेश जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे कोई भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए, ना गाय संकरित हुई है, ना लोग वाड़ी बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। कमला जी तो कहती है औरतें बात करने को भी तैयार नहीं है। सर, माड़ी सर बिल्कुल निराश नहीं है, वो तो कहते हैं पहला पूरा साल दोस्ती बनाने में, विश्वास जताने में चला गया तो भी कोई हर्ज नहीं। सर, आप टारगेट्स की चिंता मत कीजिए। सर, 12 मई 2005, आज प्रोजेक्ट की दूसरी रिव्यू मीटिंग थी। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, उससे मुझे बहुत खुशी हुई। टारगेटेड नंबर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, पर उनकी ओर जाना अब मुश्किल नहीं लगता। लक्ष्मी की गाय का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यशस्वी हुआ और उसको संकरित बछड़ी हुई, उससे लोगों को प्रेरणा मिली है। 27 मई 2006, आज प्रोजेक्ट की तीसरी रिव्यू मीटिंग थी। बारिश ने कमाल कर दी, इस साल बारिश जल्दी आई है। गांव में लोग कहते हैं कि बारिश वाला पंछी बारिश आने की खबर दे रहा है। इस साल रिव्यू मीटिंग मई महीने में नहीं हो सकी, मानसून टाइम पर शुरू हुआ। चेकडैम भरने लगे, लोग खुश है। इस साल अंगूर के बागानों में मजदूरी करने जाने वालों की संख्या नोटिसेबली कम थी। लोग सब्जी और दूध का मार्केटिंग कैसे करें इस चिंता में लगे रहे। प्रोसेसिंग यूनिट्स भी एफिशिएंटली चलती रही। महिलाएं बचत गुट की बड़ी फेडरेशन बनाना चाहती है। गुजरात में वेदु लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
प्रोजेक्ट के कितने सारे लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए, उन्हें एक्सपोजर विजिट का भी आनंद मिला। दूसरे प्रोजेक्ट्स देख के बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उनका हौसला और भी बढ़ा है। अब प्रोजेक्ट जब उभर आया है तो उसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा है। माई सर कहते हैं, शासन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या राजनीतिक दल हो, हम न किसी के विरोधी हैं न समर्थक। हमें न्यूट्रल रहकर लोगों के साथ जाना है, और वो भी जो सीढ़ी पे सबसे नीचे है उन लोगों के साथ। इसमें विरोध होगा, हमारे काम को और हमारे लोगों को अपनी जकड़ में लाने का प्रयास होगा, पर हम शांति से डटे रहेंगे। कार्तिक साहब, वो देवा बाबा का रावा कहीं मिल नहीं रहा। मतलब आओ अंदर आओ, अंदर आओ, रावा का कुछ पता नहीं चल रहा साहब, कल रात से घर नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो देवा बाबा, आप घबराइए मत, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस लड़के को, वो वापस आ जाएगा। देवा बाबा शांत हो जाओ, तुम चलो पानी पी लो। आप पी लीजिए सब। मैंने आप घबराइए मत, हम सब मिलकर ढूंढेंगे उसे, ठीक है? साहब, आपको अपना काम छोड़कर हमारे साथ आना पड़ रहा है। काम बाद में हो जाएगा, अपने रावा को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। लीजिए चाय, लीजिए ये चाय पी लो। देवा बाबा चाय पी लो, रोने से बच्चा वापस नहीं आने वाला। सीता भाई के रघु को पूछा? नहीं, तो पहले वहां होके आते। हाँ? मैं वाली सर को बोल के आता। रावा क्या कर रहा है नीचे उतर? अरे गिर जाएगा। अरे ठीक है चलो। तू तो बहुत बड़ा हो गया रावा, तेरी तो मूंछें निकल आई है। छोटा थोड़ी ना हूँ, 13-14 साल का तो हो गया ना अब। शांत हो जाओ, मिल जाएगा बच्चा, शांत हो जाओ। कल मुझे मिला था, कहीं मैं जा रहा हूँ इसलिए गुस्से से भाग तो नहीं गया? नहीं नहीं, वो आप पर गुस्सा कभी नहीं करेगा, वो आपको बहुत मानता है। देवा आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा वापस। मैं क्यों उसकी चिंता करूँ, 5 साल पहले मैंने उसको आपके हाथ सौंप दिया, ये तो आपका ही बेटा हुआ ना, इसीलिए तो आपको बताने चले आए ना साहब। पांच साल पहले मैं जब यहाँ पहली बार आया था, तब कितने अजीब तरीके से इन लोगों के साथ मुलाकात हुई थी मेरी, वो एक्सीडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा।
हाँ या आई एम ऑल राइट व्हाट या किसका बच्चा है रे क्या हुआ रे मुखी वो देवाबा का पोता रावा तो मर गए क्या नहीं नहीं जिंदा है देखो कुछ भी हो जाए तुम लोगों को कल सुबह नासिक पहुंचना है कुछ भी करके इन लोगों को कल सुबह नासिक पहुंचना है मुखिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ठीक है अरे रावा के माँ बाप कौन है रावा के माँ बाप नहीं है उसका दादा है वो देवा बाबा अच्छा देवा बाबा बच्चा ठीक है चिंता मत करो देवा बाबा तो रुक नहीं सकता मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या वो साल भर किसी को तो बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी ना रावा की देखभाल इन्हीं को करनी है छोड़ेंगे नहीं अब इनको हाँ हाँ सुनो देखो देखो बच्चे की देखभाल हम करेंगे हाँ जो कुछ होगा बच्चे के लिए मैं करूँगा जाओ तुम सब लोग मैं हूँ बच्चे के साथ लच्छी भी है चलो जाओ चलो जाओ सब लोग ज्यादा सोचो ना बुरा होना था तो तभी होता नसीब अच्छा था कि रावा बच गया देखो अभी पीड़ा देव चला गया है हम रावा को खिलाएंगे दवाइयाँ देंगे अब चिंता यही छोड़कर मजूरी पे जाओ समझ गए ना तुम क्यों रोती हो मैं कब रोई जाओ अभी चलो सुनिए कार्तिक गेट इन यहां की जमीन उपजाऊ नहीं है जो धान उगता है साल भर के लिए काफी नहीं होता फिर इन लोगों को मजदूरी करने के लिए कम से कम 3-4 महीने शहर जाना पड़ता है ये माइग्रेशन हमें रोकना है इतने छोटे घायल बच्चे को यूं ही छोड़ के चले जाएंगे ये लोग इसी को तो गरीबी कहते हैं वैसे हमारी औपचारिक पहचान तो नहीं हुई है मैं डॉक्टर एकनाथ माणी इस फील्ड प्रोजेक्ट का इंचार्ज कार्तिक सूर्यवंशी वेलकम टू भारतीय जनमित्र फाउंडेशन थैंक यू सर एक्सीडेंट के 4 दिन बाद मैं बच्चे को देखने उसके गांव गया था का घर देखा पूरा खाली खाली और अकेला बच्चा ऐसा ही पड़ा है गांव में कोई नहीं जो उसकी देखभाल करे क्यों चिल्लाते क्यों हो तुम्हें तो मालूम है सब लोग मजदूरी पे गए हैं मैं अपने बीमार बूढ़े को देखूं कि उसे देखूं वो पेट से लक्ष्मी 2 कोस पानी लाने गई है उसके पास कल की रोटी थी दी बेचारी ने तुमने उस बच्चे को बासी रोटी खिला दी वो बीमार बच्चा क्या खाएगा
वो बीमार बच्चा ऐसे ही पड़ा है, गांव में है कोई जो इसकी देखभाल कर सके? अरे कोई है? कमाल के लोग हो तुम, कुछ दिल दिमाग है कि नहीं? उस बीमार बच्चे को बासी रोटी खिला दी छी, और अब ये क्या है, ये बिना दूध की चाय पिलाओगे उसे? बस करो साहब, ये हमदर्दी आपके खुद के पास रखो। ऐसा लगता है? क्या क्या लगता है? लगता है इस चूल्हे से जलती लकड़ी लेकर आपका सिर फोड़ दूं। हाँ बस वही करो तुम लोग, ये बच्चा हम में से या तुम में से? इसे खिलाने की तंदुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी या तुम्हारी? बक बक बंद करो साहब, ना ये बच्चा हम में से है ना तुम में से, और ना ही इसे खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना मेरी, और क्योंकि तुम्हारे पास खाना है ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही बनती है, और क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घुसती इसलिए हमें हथियार उठाने पड़ते हैं। ये संकरित गाय दूध कितना देती है? 10 लीटर देती है। 10 लीटर? तो क्या लोगों को पसंद है ये गाय? नहीं नहीं लोग डरते हैं इनको। डरते हैं? हाँ। तो आप वो वाली गाय पिकअप में बिठा सकते हैं? हाँ बिठा सकते हैं। हाँ? क्या ये गुस्से वाली है? नहीं नहीं संकरित गाय गुस्से वाली नहीं रहती। रावा रावा हाँ वही बांध दो। और सुनो तुम यही रुकना, मैं अंदर होके आता हूं। कैसे हो रावा, ठीक हो? उठो उठो उठो। हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, केले। ये देखो फल, खाओगे? नहीं खा लो। बिस्कुट? नहीं देखो खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी, है ना? हाँ? और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गाय लाया हूँ। गाय बहुत दूध देती है, पियोगे ना दूध? अगर अच्छा दूध पियोगे तो जल्दी सेहत बनेगी और फिर खेलने जाएंगे, है ना? मैं कल फिर आऊंगा। हाँ तब तक खा लेना सब कुछ, है ना? गाय की खुराक चल। दूध निकालेगा कौन? आप निकाल सकती हो दूध? हाँ पर गाय के साथ पहचान तो होनी चाहिए ना, गाय गुस्से वाली होगी तो लात मारेगी। नहीं ये संकरित गाय है, गुस्से वाली नहीं होती। और गाय के लिए पानी? तो ये नौजवान क्या यहाँ सिर्फ पहरा देने के लिए बैठे?
अगर आप भी अपने बुड्ढे के लिए ऐसी दूध देने वाली गाय चाहती है तो अपने देसी गाय को सुई लगवा के देखिए कैसे बछड़ी होती है। फंसा रहे हो क्या सुई से बछड़ी? वैसे भी आपकी गाय दूध तो देती नहीं, एक बार सुई लगवा के तो देखिए। हम लगवाएंगे सुई। सुई लगवाने के बाद वो गाय क्या गगरी भर दूध देगी? नहीं नहीं, वो गाय नहीं, जब उसे बछड़ी हो जाएगी तो वो बाल्टी बाल्टी दूध देगी। इतने साल कौन रुके? 2-3 सालों की तो बात है। तो कल मैं डॉक्टर गायकवाड़ को भेज देता हूँ, ठीक है? आपने मुझे बुलाया सर? कार्तिक, आप एक गाय ले गए कैंप से डोंगरपाड़ा? जी हाँ। But you didn't inform it to me. Sorry सर, पर उस घायल बच्चे को अच्छे खुराक की जरूरत है। ठीक है, पर गांव में इतने सारे बीमार बच्चे हैं, सबको तो हम दूध नहीं पिला सकते। And it'll be a bad precedence. सर, आप मेरा एक बार विश्वास कीजिए, ये गाय हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं है, he's our responsibility. हमने खुद कबूल की है। This strategy will certainly work for us, sir. वेणु, हाँ? मैंने सुना है कि लच्छी डोंगरपाड़ा दूध कोऑपरेटिव की सेक्रेटरी बन गई है। हाँ, वो हमारी गाय डोंगरपाड़ा की सबसे पहली संकरित गाय बन गई है ना, तो लोग गाय और दूध के लिए लच्छी के पीछे पड़े रहते। वो दिखती छोटी है साहब, मगर आप तो जानते हैं कितनी तेज है वो। लकड़ी लाती हूँ, पानी लाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, मजदूरी लाती हूँ, और क्या करेगी औरत? और तू जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, लड़कों को छेड़ना सिखाता है। ये गाय मेरी है। झूठ, ये गाय तेरे बाप ने मुझे दी है शादी में। झूठ, वो मर गया तो भूत बना के बुला ले उसे। सच बताने बता दे भगत को, शादी में उसने वो गाय तुझे दी थी या मुझे? मैं इकलौती हूँ करके तुझे खेती भी मिली और गाय भी। कोई दूसरा होता तो कहता चांद हाथ लग गया है, और तू तू जंगल का कौवा। गाली देती है। मैं सांप को बोलकर मेरी गाय को सुई लगवाऊंगी, और तू बीच में आए तो दरोगा बुलाऊंगी मैं, समझ ले। देख लच्ची, निकल, बाहर निकल। मार मत, तू मार मत, मार मत, बता के रखता हूँ। लक्ष्मी की गंगा देसी गाय थी, छोटी थी, और उसके पेट में बड़ी संकरित बछड़ी। बेचारी अटक गई तो माई सर को बुलाना पड़ा। आइए सर, आइए। अब चिंता की कोई बात नहीं। आइए, आइए। सर, सर यहाँ पे। कुछ भी कीजिए, आपको मेरी गंगा को और उसकी बछड़ी को बचाना होगा, वरना पाड़े के सब लोग शोर मचाएंगे। मैं तो पहले ही कहा था, सुई लगाने से गाय को बछड़ी कैसे हो सकती, मगर आप औरतों को लगता है बहुत सहनी हो गए, हमारी कोई नहीं सुनता। चलिए गाय मर गई तो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन से, मतलब लोगों की भाषा में सुई लगवाने से लच्छी की गाय को संकरित बछड़ी हुई, और बहुत कुछ बदल गया। वेणु भी, गांव के लोग भी, और मैं भी। देवा बाबा, देवा बाबा, रावा का किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या पता, मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि दिमाग थोड़ा ठंडा रखा कर। तुम्हें अपना मिजाज याद है? नहीं
कॉलेज? हाँ जी सर। माई सरकार चल वे अलर्ट पुलिस। पुलिस नहीं सर, हम बात करके देख लेते, कोई जरूरत नहीं पुलिस की। आइए आइए, हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। अभी हमारे कागजात वापस चाहिए। वेणु ये सब क्या है? गुंडागर्दी तो तुम कर रहे हो। आप हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। किसने कहा ये? जबरदस्ती हमारी जमीन के 7-12 के कागज क्यों लाए? वेणु किसने की जबरदस्ती? हमारे गांव के मुखिया जबरदस्ती कर रहे हैं साहब। हमें हमारे 7-12 के कागज वापस चाहिए। सुरेश जी इनके 7-12 के कागज लेके आओ। चलिए चलिए आप मेरे साथ, दिखाता हूं। चलो ये देखो, ये पौधे देखे तुम लोग ने? ये क्यों रखे हैं यहाँ पे? ये आम, ये काजू, ये चिकू। सुरेश जी वो फाइल लेके आइए, हर एक गांव के जमीन मालिक और नाप के अनुसार जो लिस्ट बनाई है वो दिखाइए इन्हें। साहब सब कहने की बात है, करता कोई नहीं है। सब कहने की बात है ये। अरे क्या हुआ? हमें हमारे 7-12 के कागज चाहिए। 7-12? हाँ 7-12। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलो, बैठ के बातें करेंगे। चलो चलो आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। सर हमें हमारे 7-12 के कागज अभी के अभी चाहिए। आपको क्या लगता है आपका 7-12 लेके हम क्या करेंगे? जमीन हड़प लेंगे हमारी। अरे तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हुई? ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़, ये तो सदियों से आप लोगों का है और आपकी इच्छा के विरुद्ध इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे हम तो यहां सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए और कुछ नहीं। मुझे एक बताओ, जच्चापन में यहां कितने औरतों को जान गंवानी पड़ती है, कितने बच्चों की जान जाती है? क्यों? साल भर कितने लोगों को पेट भर खाना नसीब होता है? कितनी पेट से औरतें पेट भर खाना खाती है? अब खाना नहीं खाती तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। दूध नहीं क्योंकि खाने में फल सब्जी ये नहीं खाती। अब नहीं खाती क्योंकि उगता नहीं। उगता नहीं क्योंकि बारिश के बाद पानी नहीं, खाद नहीं, पेड़ कैसे उगाए जाए इस बात की जानकारी नहीं। क्या ये दुष्ट चक्र आप भेदना नहीं चाहेंगे? और अगर चाहते हैं तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। सुरेश जी इन लोगों को चाय और पानी दीजिए। मगर आप हमारे 7-12 के कागज लेके हमारे जमीन मालिक होने का सबूत ही हमसे छीन रहे हो। पौधों के साथ वापस करेंगे। हमने 7-12 मंगवाया क्योंकि जमीन मालिक को ही पौधे मिले, इसलिए कागज पे किसका नाम है ये देखना जरूरी था। सर अगर आप कहें तो मैं और कमला जी जाके गांव गांव में ग्राम सभा से बात करें 7-12 के बारे में, समझाते हैं उन्हें तो ये असंतोष फैलेगा नहीं। सुरेश ये वेणु और उसके साथ ही क्या नक्सलाइट बनना चाहते हैं? नहीं सर नक्सलाइट नहीं, गर्म मिजाज के हैं, लेकिन उनका विश्वास हमारे काम में बना रहे इसलिए उनके साथ सतत संपर्क में रहना जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी भटक जाएंगे ये लोग और फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं मिला तो फिर हथियार उठाना तो आसान है ही। मैं चलूं सर? माली सर ने सही बताया, अब मैं यहाँ की परिस्थिति को कुछ कुछ समझ रहा हूँ। इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। बाबा कहीं दवाई लाने के लिए जंगल में तो नहीं गया? एक बार पकड़ा गया था ना, तब से अकेले जंगल में नहीं जाता। क्या हुआ? फॉरेस्ट के लोगों ने चोरों को पकड़ा है। सुरेश जी ये हमारे लोग लगते हैं। हाँ। नहीं सर ये लोग तो चोर है जंगल के। अरे नहीं ये डकैती करते रहते हैं। सर अब बात करते हैं। हेलो
हेलो, देखो वेणु, गार्ड वेणु। सूरज जी आप बात कीजिए। हेलो वेणु, सुनाई दे रहा है? सूरज जी कलेक्टर साहब को फोन लगाइए। क्या वेणु, नया झमेला खड़ा कर देते हो, हर बार तुम्हारी वजह से काम छोड़कर आना पड़ता है। आप गलती हमारी नहीं है। सीएमई 9:30 विल हैव द कॉन्फ्रेंस एट अराउंड 9:15, इज दैट ओके? यू हैव चेक द शेड्यूल ना? नमस्ते सर। नमस्ते। अरे आपको खुद को आने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिसर साहब से बात कर ली है, इन सब लोगों को छोड़ दिया है, ये सब लोग अभी तक यहीं बैठे हैं। सर इनके लिए? आपके लिए? यस सर। सर तस्करी कोई और करता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। सर इन पे झूठा इल्ज़ाम आता है इसलिए गुस्सा हो जाते हैं और हाथापाई पे उतर आते हैं। ये लोग जंगल नहीं काट सकते सर, ये छोटा बच्चा ये दवाई लाने जाता है जंगल में। सर वो पेड़ों का महत्व खूब जानता है और ये सखा तो अच्छा चित्रकार है, वो जंगल के चित्र बनाता है। ये तस्कर नहीं हो सकते सर, बल्कि ये दोनों तरफ से पीटे जाते हैं, तस्करों की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी। आई अंडरस्टैंड, आई एम रशिंग टू रिसीव द मिनिस्टर, एक्सक्यूज मी। उसके दोस्तों से पूछा? हाँ, कल रात को पूछा था मैंने, नहीं जानते। चिंता मत करो, चलो आप यहाँ पे बैठो, पानी मिल जाएगा, पूछते हैं बैठो, यहाँ पे बैठो। रघु पानी ला। नहीं 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 पता चला, बैठो। क्या हुआ? दावा भाव कहाँ है? ऊपर रघु के मामा आया। चिंता मत करो देवा बाबा, मिल जाएगा वो। गया मैं। पानी पी। रघु दोस्तों के घरों आया? हाँ पर वो कहीं नहीं मिला। सब कुछ जानते? दामा भाव कुछ पता चला बच्चे का? नहीं। देवा बाबा उस दिन बच्चे का क्या झगड़ा चल रहा था आपके साथ? मुझे साइकिल मांग रहा था। देवा बाबा अब एक रकम साइकिल खरीदना मुझे भी कहाँ परवड़ता, पर औरतों की मंडली से कर्जा जो लिया। मैंने बताया तो था उसे उस दिन, अपना आरोग्य धाम अच्छा बन गया है, अब तुम्हारे लिए साइकिल खरीदेंगे। देवा बाबा झरने पे देखा कुछ ऐसा वैसा? आप रुकिए, मैं देख के आता हूं, रात भर सोए नहीं हूं। वेणु चलो। वेणु मुझे डर है कि मैं बंबई जाने वाला हूं ये सुनकर कहीं वो बंबई ना भाग जाए। नहीं बिल्कुल नहीं साहब, रावा की तावा के भतीजे के साथ इसी बात को लेकर तो हाथापाई हुई थी, या बड़ों में झगड़ा शुरू हुआ वहां बच्चे लोग एक दूसरे को पीटने लगे। एक बार कह दिया ना वहाँ कीचड़ में सुअर बन के रहने से यह अच्छा है। बंबई में ऐसा नहीं होता है, कोई हाथ काम के बिना नहीं रहता। तुम जानते नहीं पर अब पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ भी कोई हाथ काम के बिना नहीं बैठता। तुम अपनी भाभी से पूछो कितनी हरी भरी हो गई है अपनी वाड़ी, अब अगले साल देखो तुम्हारे लिए घर की सब्जी और फल आएंगे। हाँ तुम बाजार से बासी आम खरीद के खाते हो, बीच में मत पड़, चल पेड़ से तोड़कर खाते। संस्था वाले तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर वही सूखा और वही भुखमरी। संस्था वाले संस्था वाले, हम क्या लूले लंगड़े हैं? भगवान ने क्या सिर्फ उन्हीं को दिमाग दिया है कि हम सोच नहीं सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है खुद के लिए? तू सिर्फ अपनी सोच, पर मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। हाँ उस बीमा की संकरित गाय देखी तूने? तेरे बच्चे ने बंबई में ऐसा दूध देखा भी है? क्या बोलते हो, गाय को इंजेक्शन से बछड़ी हो गई और बाल्टी बाल्टी दूध देने लगी। जिसे विश्वास नहीं वो उसी कीचड़ में जाके लेटे। हाँ अब धीरे धीरे दिन बदल रहे हैं, आपकी मेहरबानी। नाना अगर तुम लोग समझदारी ना दिखाते और सहयोग ना देते तो
तो ये बदलाव मुमकिन नहीं था। बस दो बारिशों में यहाँ के सभी डैम भर गए। हाँ, अब लोगों को पेड़ से आम उतरने की चिंता है साहब। अपना रावा कहीं पेड़ से आम उतरने तो नहीं चला गया? क्या पता। देखना, एक एक करके सभी शहर गए हुए लोग वापस आ जाएंगे। वो अपना दासू शहर से वापस आ गया, पता है ना? अपना दासू? हाँ, ऑफिस आया था वाड़ी लगाने की तरकीब पूछने। इस डैम की जब पहली मीटिंग हुई थी ना साहब, तब ये दासू था गांव में, पर तब इसको विश्वास नहीं था। सब लोग झगड़ने लगे हैं, अरे मुफ्त में काम करने से पता नहीं किसका भला हो जाएगा। आप हमसे काम करवा के लेंगे, सब फल आप लेके जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सुनिए 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 मेरी बात। देखिए, थोड़ी मजदूरी तो हम दे रहे हैं आपको, हाँ, अब पूरी नहीं दे सकते। बाकी की जो मजदूरी है वो आपका गांव के लिए श्रमदान है, ऐसा सोचिए। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि जितनी मजदूरी कबूल की गई है उतनी भी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कागज पे अलग दाम और हाथ में अलग दाम, ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है, समझे क्या? जो भी लोग शहर के अंगूर के बागान में काम करने के लिए अपना नाम दे चुके हैं, वो सामान लेकर कल सुबह इस ट्रक में आ बैठे। 10 दिन के बाद वापस आना है, 10 दिन के बाद। अरे रुको रुको, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, पूरी बात सब लोग शांति से। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए सरपंच जी, आप तो जानते हैं, हाँ, आप सभी लोग जानते हैं, मैं यही का हूँ, इसी मिट्टी का किसान हूँ, ठीक है? तो अब हम सब लोगों को दिमाग लड़ा के कुछ तरकीब सोचनी चाहिए कि नहीं, कि इस जमीन को गर्मी के दिनों में भी पानी मिले, नहीं तो फिर ये जमीन भी भूखी और प्यासी और हम भी भूखे और प्यासे, फिर भागो मजदूरी के पीछे शहर। हम नहीं जाने वाले। सुबह तो तूने कहा था जाऊंगा करके, आप बदल डाला, क्या जबरदस्ती है क्या? बराबर है। हर साल गर्मी में पानी के लिए लोग इतने परेशान होते थे कि इस एक मीटिंग से ही लोगों को तसल्ली हो गई। लोगों ने तुरंत बांध का काम शुरू कर दिया। पूरे गांव को इस बांध से कितना फायदा हुआ क्या बताएं? वेणु, इस साल पानी थोड़ा कम हो गया है, मगर आप चिंता मत करो सब, मुखिया से कहकर हम कीचड़ निकलवा देंगे। वो बीच की काली फसल नागली है ना? नहीं, वो कोड़गू के बाप ने खेत को नजर ना लगे इसलिए काला चावल लगाया है। अब आप जाइए यहाँ से, शायद बारिश भी शुरू हो जाएगी, पर मैं देवा बाबा को समझा दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आपको फोन करूंगा। जीजा नाम है साहब, पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। जब आप नए आए थे ना साहब, तब मैंने आपके गलती से हाथ उठाया था, क्या जाने से पहले एक बार आप मुझे पीटना नहीं चाहोगे? जाने से पहले एक बार गले मिलना चाहूंगा।
क्या बताऊं आसिमा, इन लोगों में मन कैसे अटक गया है। कैसा बहता सा अनुभव है ये, किसी आदमी को या समाज को बदलने का प्रयास करते करते खुद बदल जाने का अनुभव। आसिमा जी, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, करीबन 2 या 3 साल के बाद हमारे इंटरवेंशन के फल मिलने शुरू हो जाएंगे, मतलब संकरित गाय का दूध मिलना शुरू हो जाएगा, बाड़ी में फल आने शुरू हो जाएंगे। तब तक इन लोगों को हम पे विश्वास करना मुश्किल होगा और हमें भी इस दौरान बड़ी सतर्कता से काम करना पड़ेगा। 5 साल के बाद हम ये प्रोजेक्ट लोगों के हाथ में सौंप देंगे। अब 2 बरस पूरे हो चुके हैं, अगले 3 साल आसिमा जी यहाँ हर साल आती जाएंगी और हमारे प्रोजेक्ट के विकास का रिकॉर्डिंग करती रहेगी। गोरख कोऑर्डिनेटर होंगे और आप सब मिलके प्लान करो कि ये कहाँ जाए, किससे मिले, किससे बातें करें। सर एक मिनट, मैं कोई डेलिबरेट स्ट्रक्चर्ड शूट प्लान नहीं करना चाहती, आपके प्रोजेक्ट्स चलते रहने दीजिए। अब देखिए, हम आपके लोगों को या स्टाफ को सेल्फ कॉन्शियस नहीं करना चाहते, सो इट विल ऑलमोस्ट बी अ हिडन कैमरा। ये राजू है, तुम्हारे बिच्छू के अनुभव के बाद तुम भी अटक गई ना इन लोगों में। दीदी, बिच्छू के जहर से कुछ नहीं होता, आदमी मरता नहीं है। मेरी बीबी को भी बिच्छू ने काटा था, तब देवा बाबा ने उसका जहर निकाला था। देखिए, आपकी तकलीफ कम हो रही है, थोड़े आराम से ले लो। मैंने एम्बुलेंस बुलाई है, जहरीला है। हाँ, लेकिन मारना नहीं है, छोड़ देना। सिर्फ एक एम्बुलेंस है, आने में देर लगेगी। आप, oh, no, I can't wait, आप देवा बाबा का विश्वास कीजिए। No, Asima, no, we are trained. लेकिन उनके यहाँ तो पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती है। He is like a doctor. I don't think I'll survive. ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इनका नसीब अच्छा था कि इनके साथ हमारा रावा था। बिच्छू काटे तो क्या करना चाहिए वो ये जानता है। वो आने से पहले इन्होंने मुझे कुछ पिलाया है। वेणु, क्या साहब, देवा बाबा से पूछिए, अगर उनको वो दवाई पिलाई ना होती तो इतना दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, look at the swelling. अभी भी नहीं सह पा रही हूँ मैं। पैर काटना पड़ता। वेणु पागल हो गया क्या? ऐसा कुछ 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 नहीं होगा। साहब, हमने इनसे कहा था पत्थर मत उठाओ, बिच्छू हो सकता है नीचे, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी तो खा गई झटका। हाँ ठीक है ठीक है। सुरेश जी, आप गाड़ी निकालिए। हम इन्हें उठा के लेके जाते हैं वहाँ पे। I can walk. देवा बाबा, दर्द गायब हो गया। आपकी फीस? बेटी, दवाई जंगल से मुफ्त में लाते हैं। लोगों को जितना परवड़ता है उतना हम उनसे लेते हैं। देखिए, आपको फीस तो लेनी पड़ेगी। और ज़्यादा लोभ किया तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, और हमारे ज्ञान में संस्था का भी हिस्सा है। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, वो थोड़े हमसे फी में हिस्सा मांगते हैं, हम लोगों को क्यों बताएं। या रोलिंग। हाय हाय हाय। एक कट कट कट, क्या आया है क्या?
आप ही तो किसी को मिलने के बाद खुशी दिखाने की बजाय हाय हाय करती हो। हाय ओ हाय नहीं 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 वो मतलब हेलो मतलब क्या किसी एक किस्म का नमस्ते होता है। अच्छा तो नमस्ते क्यों नहीं करते? अरे छोड़ यार। हाँ तो बताओ कि तुम कितनी बीमारियों की दवा जानते हो? बहुत मतलब अपने दादा जितनी नहीं पर बहुत। दादा उनके दादा और बाबा से सीखे और मैं दादा से। आजकल वो ज़्यादा जाते नहीं ना जंगल में, तो मैं ही जाता हूँ जड़ी बूटी लाने। आसान काम नहीं है, पेड़ों की मूलियों की जानकारी और परख होनी चाहिए। बड़े गहरे ज्ञान की बात है। देखो हाँ कह रहे सर रेडी। सर आपको क्या लगता है कि विकास के इन कार्यक्रमों से क्या समाज में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है? देखिए भूख यह किसी भी जीव की पहली ज़रूरत है। समाज में जब भी उपजीविका के नए साधन निर्माण हो जाते हैं या नए औजार उपयोग में लाने की समाज की क्षमताएं बढ़ती है, तब आप जिसे ये मूलभूत परिवर्तन कहते हैं वो ज़रूर आ जाता है, क्योंकि ये नए औजार नई कुशलताएं समाज में सत्ता का तोल बदल देती है। और हमें खुशी है कि हमारे विकास के कार्यक्रम इन गरीबों को ये तोल बदलने में सहायक हो रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रही है, समाज में आजकल असंतोष बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए जो नकारात्मक कारण जिम्मेदार है वैसे ही एक सकारात्मक कारण भी है और उससे मैं काफ़ी समाधानित हूँ। वो ये है कि आजकल लोगों में एक समझदारी की भावना बढ़ रही है, उनमें एक आत्मसम्मान की भावना बढ़ रही है। वो आप पहले जैसे किसी अन्याय के सामने शोषण के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाते, उस शोषण से छुटकारा पाने के वो मार्ग अपने आप ढूंढ लेते हैं। कभी कभी उसमें गलतियाँ भी होती होगी, लेकिन इसीलिए तो हमें उनके भावनाओं का आदर करते हुए उनके सहयोगी बनना है। अब जिसे असंतोष कहते हैं उसे मैं पूरी तरह से विघातक नहीं समझता हूँ, क्योंकि अनुभूति बदल जाती है वैसे ही अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। क्यों ठीक है ना? ये एक डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ तो हम उनकी मांगे पूरी करना चाहते हैं पर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं। लोगों को आदत सी हो गई है, शासन ये करेगा शासन वो करेगा, पर क्यों क्यों हम हमारी पूरी जिंदगी शासन के हाथों सौंप देते हैं? शहरों में भी हम लोग वही करते हैं, रास्ते पे गंदगी हो तो शासन उसे उठाएगा, ट्रैफिक ठीक नहीं चल रहा तो शासन हमें पकड़ के सजा देगा, हमारे गांव वो साफ करेगा एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। सर सुनिए मैं एक छोटी डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ, तो ये आम जनता समझ के मुझे भाषण देने से क्या फायदा है? क्या मतलब तुम आम जनता नहीं हो? बाप रे आप समझी मैं, वो वेणु का भूत तुम पे सवार है। बट यू नो कार्तिक आई क्वाइट लाइक बीइंग हियर। है तो ये जंगल बहुत सुंदर, पर क्या इसमें मन बहल जाता है तुम्हारा? क्यों मेरा कैमरा है म्यूजिक है और कंपनी। हाँ वो तो है, दोस्तों के बिना मजा नहीं। पिछली बार जब मैं पुणे गया था तो आई मिस्ड ऑल दिस, यहाँ के लोग, ये झरने, ये शांति, ये खुली हवा। पुणे में तो खुली हवा बंद ही हो गई है, लगता है कि हम ऑक्सीजन नहीं कार्बन ही कार्बन पे जी रहे या हाफ रहे। यहाँ कितना अच्छा है, काम भी कितना रहता है। आई थिंक आई एम इन लव विद दिस प्लेस। क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे जो जॉब सैटिस्फैक्शन लिखा है वो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सर रावा का कुछ पता नहीं चला, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है लेट्स वेट एंड सी।
अभी तक फाइनल रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, काम छोड़कर रावा के पीछे भागता रहा मैं। शबरी के केस की याद आती है मुझे। शबरी की मांग ठीक ही थी, तब तक सभी वाड़ियाँ आदमियों के नाम पे थी, पर धूनू था शराबी। रोज की मारपीट से शबरी बाई तंग आ चुकी थी, चाहती थी कि वाड़ी खुद के नाम पे हो। वो औरतें चुपके चुपके आपसे मिलना चाहती है, चुपके चुपके कुछ पूछना चाहती है आपसे। मेरे नाम पे वाड़ी हो सकती है क्या? हाँ होनी तो चाहिए। बाकी आदमियों की तरह धोनू के मन में भी हमारे बारे में कई गलत फहमियां थी। शबरी भाई को बुलाइए ना, उससे कहिए कि अगर वाड़ी अपने नाम पर बनानी है तो यहाँ मीटिंग में उपस्थित रहना जरूरी है। ठीक है सर। चलिए सर। रुकिए कमला जी, यह उनका आपसी मामला है। किसी की जान खतरे में हो तो यह मामला आपसे नहीं होता सर। मैं मेरी जमीन नहीं दूंगा। सुरेश जी जल्दी आइए ना, आप लोग हम इसे गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। सुरेश जी दी, कल का साहब का कहना बिल्कुल गलत था। लोग वाड़ी धारक बनने के लिए आएंगे, आप उनको संभालेंगे नहीं तो आपका कहना क्यों मानेंगे? और तो कहना, मैं ऐसी वाड़ी होती रहेगी तो ऐसी मारपीट होती रहेगी। मुखिया भी तो आदमी के पीछे रट रट करेगा। देखो तुम लोग शांत हो जाओ, हम जरूर वाड़ी धारक को संभालने की कोशिश करेंगे। शबरी, कमला जी ने शबरी बाई को पूरी तरह संभाला। बाद में कई वाड़ियां औरतों के नाम पे हुई, पर शायद तब मेरा फंडा ही कुछ अलग था। सुरेश जी मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ के लोगों के साथ मेरे आने से पहले से संबंध है, इसलिए जब भी गांव से बुलावा आता है तो आपका जाना जरूरी है। लेकिन कमला जी तो नहीं आई हैं, इन्हें यह जानना जरूरी है कि किसी एक इंसान से हमारे प्रोग्राम्स का महत्व ज्यादा है। लेकिन सुनिए, किसी एक इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए हमारे ऑफिस के टारगेटेड काम छोड़कर जाना ठीक नहीं। भाई मिलेंगे, ऑल द बेस्ट आपको। चलो जी मिलेंगे। हाँ दिखाओ कागज। हाँ तो आपके गुट में काफी पैसे हैं, तो मैं सर से बात करती हूँ और फिर आपको आके बता दूँ। यही रुको। हाँ सर, सर ठीक है, आप पेरोल दे दीजिए। सभी औरतों से बात की है? हाँ सर। सर सुना है रावा गायब है। हाँ देवा बाबा पे क्या बीती होगी, वेणु भी कुछ नहीं जानता। मैं कुछ कोशिश करूं? क्या करोगी आप? पिछले हफ्ते वो मेरे साथ करोड़ी पाड़ा आया था, पता नहीं अगर शबरी भाई से मिलने गया हो तो, या सीता भाई से। वहाँ क्यों जाएगा? ठीक है आप देख लो, सीता भाई के यहाँ तो मैं हो के आया। आप खुद गए थे? हाँ। इतना सारा काम होते हुए? अपने रावा से काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? सर हाँ ये मैं खुद कह रहा हूँ। कमला जी से भी मैंने कितना कुछ सीखा है।
चार चाय देना जितनी। अरे रावा तुम यहाँ कैसे? वो शेड देने आया था। अच्छा अच्छा हाथ छोड़ जाए राज। चलो घर चलो। हाथ छोड़। अपने घर की औरतें नौकरी करे ये ठीक लगता है तुम्हें? हाथ छोड़। अगर मुझसे बात करनी है तो घर आ, इस तरह बाजार में मेरा हाथ ना पकड़। अपने बाप की भी ना सुनती तुम, इतनी मगरूर हो गई हो। देवर भैया तुमने हाथ पकड़ा इसलिए तमाशा मारना पड़ा, अपनी मर्यादा तोड़ना ठीक नहीं। सुरेश जी ये कमला जी का क्या मामला है आपको पता है? बहुत फिल्मी कहानी है सर। मतलब? उनका बाप बहुत गरीब था, बेटी को अच्छा खासा पढ़ाया लेकिन शादी कर दी साहूकार के शराबी और जुआरी बेटे से। कमला जी ने खूब विरोध किया पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, तो कुछ ही दिनों में पति लिवर सिरोसिस से मर गया और उसका छोटा भाई अपनी भाभी और प्रॉपर्टी दोनों पे नज़र रख के अपने भाई के ही नक्शे कदम पे चलने लगा। तो कमला जी स्वाभिमान से वो घर छोड़ आई और अपने भारतीय जनमित्र फाउंडेशन में नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कमला जी इतनी हिम्मत वाली है। औरत जब बुद्धिमान होती है ना तो अपना आत्मसम्मान और आज़ादी किसी भी कीमत पर हासिल कर लेती है। एक्चुअली सर आपने नोटिस किया होगा हम जब भी गांव में कोई नया प्रोग्राम लेकर जाते हैं तब मर्दों से भी ज़्यादा औरतें हमारी पहली सहयोगी होती हैं। या आई हैव नोटिस्ड इट टू, इट्स सरप्राइजिंग इज़न्ट इट? सर हमारे वीमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स में गांवों की महिलाएं कमला जी का बहुत आदर करती है। पटवारी से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है सर, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। हम क्यों डरे? मैं नहीं डरता। हम कलेक्टर जी से बात कर सकते हैं। कमला जी पानी लाओ। चाची है हमारे पास बाटली का पानी। धूप में से आए हो, खाना भी नहीं हुआ। मुश्किल ये है कि पटवारी की बीवी सरपंच होकर भी बात करने के लिए सामने आती ही नहीं। मैं तो समझता था कि आदिवासी औरतें ज्यादा हिम्मत वाली होती है। होती है भी और नहीं भी। आदमी से झगड़ा मोल लेना आसान नहीं है सर, वो तो हर तरीके से औरत पे अत्याचारी करता है। अब क्या बताऊँ आपको? दो चाची। खा दो। नहीं नहीं। अरे सूरज माथे पर से निकल गया, भूख नहीं लगी? इसका सूखा चेहरा देखा? नहीं मुझे भूख नहीं है, सुबह ही न्यारी हुई है। छोंछ मानते हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो खाइए ना सर। ये लोग इतने गरीब हैं, हम इन्हें कुछ देने आए या इनसे कुछ लेने आए? लेन देन की बात बड़ी अजीब होती है सर, इनकी रोटी खाने से ही इनका सम्मान होगा। चोर मुझे, चोर 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 च
क्या हुआ, पैसे गुम हो गए? लगी है? नहीं। तू भी अजीब लड़का है। उसको मत मारो, उसी की मदद से तो हम पैसा बचा सकते हैं। अब कमला जी को भी रावा को ढूंढे बिना चैन नहीं आएगा। कैसी हो? शबरी भाई कहाँ है? शबरी भाई? अरे कमला दी, पधारे ना। देखिए ना, सभी वाड़ियों में कितने अच्छे आम आए हैं इस साल। अपने पेड़ अभी तो छोटे हैं वैसे, तो भी अच्छे आम आए हैं। और इस काम में कौन जुड़ा है देखिए तो? वाड़ी तो उसके नाम है, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ, मालिक तो वो है। छोड़िए। जब से माला पहनी है पीना छोड़ दिया है, अब चिंताएं कम हो गई तो पीने की जरूरत ही नहीं। अरे कमला दी, आपका चेहरा क्यों उतरा है? रावा यहाँ आया था क्या? नहीं तो, बोला दो दिन नहीं आऊंगा। सीता बाई के आम उतारने बोला पेड़ से। हे भगवान, फिर कहाँ गया होगा वो? कल रात से गायब है। देवा बाबा तो बिल्कुल पागल से हो गए होंगे। बोलते हैं आजकल जंगल में किसी ने बाघ की भी आवाज सुनी। हे भगवान, अरे छोड़िए उन आमों को, मैं जाकर जंगल में देखती हूँ। पागल हुए क्या? मैं देखता हूँ। देवा बाबा के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने वही तो चाहता था बार बार। कोई जहरीला जानवर भी काट सकता। जी पप्पा, जाते जाते कमला जी को छोड़ दो और ये सब आम लेके जाओ। और साधु को बोलना मैं आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। तुम लोगों ने रावा को कहीं देखा है क्या? कमला जी आप जाइए ऑफिस। नमस्ते भाई साहब, वो शहद देने रावा या वेणु तो कल यहाँ नहीं आए थे ना? नहीं, यहाँ चार दिन से नहीं आए। बैठिए बैठिए, चाय पी के जाइए। नहीं, सर सूरज जी का फोन आया था। वो पटवारी अपने आदमी लेके आया है, बड़ा ही झगड़ा खड़ा किया उसने। वो कहता है आप ही से बात करेगा। ठीक है चलो। हाँ, पहले तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। ये सब क्या है? देखिए साहब, पहले सरपंच होने के नाते इनको रोजगार योजना के सभी हिसाब पंचायत को देने चाहिए या नहीं बताइए आप। लेकिन उसका आपसे क्या संबंध? बिल्कुल चाहिए। लेकिन दिया नहीं हिसाब। वो आपको क्यों देंगे हिसाब? वो तो नए सरपंच को देंगे। वो तो यहाँ कहीं दिखती नहीं। अरे वो यहाँ नहीं आई तो क्या हुआ? उनकी तरफ से हम मांगते हैं हिसाब। देखिए, आप ठहरे शासन में नौकर। आपकी बीबी पंचायत की सरपंच हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी तरफ से कारोबार चलाए। ये बड़ी ही बेकायदा बात है। और अगर इसके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कर दी तो आपकी बीबी की मतलब सरपंच साहिबा की बड़ी ही बेइज्जती होगी। अरे उनको आने दीजिए, उनको मांगने दीजिए हिसाब। उनको ये पहले के सरपंच जरूर देंगे हिसाब। क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर ये लोग तो दादागिरी और हाथापाई पर उतर आए। और देखिए पटवारी जी, सरकार ये कार्यक्रम हमारी सलाह से करवाती है, तो पंचायत की बजाय कोई ऐरे गेरे उसमें घुसने की कोशिश करे तो हम उस पंचायत के खिलाफ रिपोर्ट भेज देंगे, तो आपके गाँव को जो मदद मिलने वाली थी वो नामंजूर की जाएगी। सोच लो आप। अरे आप तो धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपको नियम समझा रहे हैं, बाकी आप सोच लो।
तो ठीक है, हमें क्या, हमें तो लोगों की भलाई का। हाँ हाँ हाँ, वो ठेका आप ही ने लेके रखा है, और अगर सचमुच आप वो ठेका लेना चाहते हैं हाँ, तो छोड़ दीजिए सरकारी नौकरी, लड़िए इलेक्शन, बनिए सरपंच। बीबी के पीछे रहकर कारोबार चलाना क्या आपको शोभा देता है? देखिए दामा भाव, आपके हिसाब तैयार है? हाँ साहब, हिसाब तो बिल्कुल तैयार है, पूरा तैयार। तो बात खत्म। अगर सरपंच साहिबा यहाँ खुद आएंगी या आपको बुलाएगी तो आप उन्हें हिसाब दे देना, ठीक है ना? ठीक है, हमें क्या। रुकिए रुकिए, मैं यहां से पैदल जाऊंगा। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। तो ठीक है सर, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आप नहीं चाहते कि कल हम आपको विदा करने के लिए आ जाएं? मैं समझ सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपके साथ काम करने के 5 साल काफ़ी एनरिचिंग रहे सर। ये तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सुरेश जी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो सर। सुरेश जी, कभी कभी आपकी पर्सनल लाइब्रेरी और आपके काम करने का तरीका देखकर ऐसा लगता है कि अगर आप विदेश गए होते या किसी बड़ी राष्ट्रीय संस्था में शिक्षा ली होती तो आप तक बहुत तरक्की कर चुके होते। कम से कम अपने बेटे को तो आगे भेजिए। थैंक यू सर। विनोबा जी कहते हैं, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो पूरे विश्व की भलाई के बारे में सोचकर तुम जहां भी हो वहां विश्व की भलाई की कृति हो सकती है। बूढ़े माँ बाप, अपाहिज भाई, अपने ही अविकसित गरीब सगे संबंधी, इन सबको छोड़कर क्यों जाना? तो मैंने यही रहना पसंद कर लिया और इस काम में मैं समाधानी हूं। अब बेटे का मैं क्या बताऊं, वो तो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। सर एक्चुअली ये इंटरनेट के जमाने में ना पूरा विश्व अपने इतने करीब आ गया है, तो कंप्यूटर सीखने के बाद तो मेरा यहां रहने का इरादा और भी पक्का हो गया। सर आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप कभी विदेश गए थे? हाँ एक बार गया था, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स अमेरिका से भारत आए थे और कुछ भारत के स्टूडेंट्स अमेरिका गए थे, उनमें से मैं एक भाग्यशाली था। एक साल तक शिकागो में रहा था। ओह सचमुच कितने भाग्यवान हो आप। मैं कॉलेज में था तब मेरे कॉलेज में दिल्ली जाकर पार्लियामेंट देखने का कार्यक्रम था, पर मैं नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि खर्चे के 10% देने के लिए मेरे औकात नहीं थी। पर सच कहो तो मैं विदेश जाने के लिए बहुत तरस रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है, मेरे जैसे लड़के को मौका मिल सकता है विदेश जाने का? हाँ बिल्कुल, मेरे जीजा जी रहते हैं न्यू जर्सी में, यूएस में, वो आईटी में है, मैं उनसे बात करूँगा। यही तो मैं कहता हूँ सर, आप में से हर कोई ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को जानते होते हैं जो विदेश में होता है, अच्छी नौकरी करता है, पैसे कमाता है, लेकिन हमारे जैसे लड़के ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं नहीं। मेरा बड़ा भाई कहता रहता है, यहाँ से बाहर जाओ वरना तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। चाय। पता है तुम्हारा रावा जो से अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था, जो तो उल्टा पुल्टा हो गया, उसके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। मेरा रावा क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे घर में पहले से ही 2 वक्त की रोटी, चावल, सब्जी सब साल भर पकता था?
मतलब वो जब छोटा था तो उसके घर में साल भर दो वक्त का खाना नहीं पकता होगा, या शायद अभी भी बहुत से घरों में नहीं पकता है। सही है, लेकिन अब यहाँ की परिस्थिति बहुत बदल गई है। पर तुम तो चले जाओगे, उसके बाद क्या होगा? पॉलिटिक्स खा नहीं जाएगी इन लोगों को? जागरूक स्त्री और पुरुषों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम भजिया खाओ, कोलगू ने बड़ी अच्छी बनाई है, खाओ खाओ। झगड़ा बाद में करेंगे, खाओ। और वैसे भी हम यहाँ बाहर वाले हैं, अगर यहाँ रहना हो तो उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना होगा, या फिर ये काम उनके हाथों में सौंप के चले जाना होगा। मेरे ख्याल से अब वो हो चुका है, और वैसे भी जो नाता एक बार बन जाता है वो टूटता तो है नहीं। अरे छोड़ो, तुम प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट पीपल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते हो, यहाँ से एक बार चले गए तो मुड़कर भी नहीं देखोगे। दैट्स नॉट ऑल ट्रू। और चाय मिलेगी? मिलेगी। तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, इस काम के जो तत्व है वो मैंने बालवाड़ी में सीखे थे। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई खाने की चीज़ हो तो उसे मिल बांट के खाओ, दूसरे की चीज़ ना उठाओ, रास्ता मालूम नहीं है तो पूछो, रास्ता क्रॉस करते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ो, कोई अगर रोता है तो उससे पूछो क्यों रो रहे हो सके तो उसे हंसाने की कोशिश करो, कोई अगर कुछ बात कर रहा हो तो उसे ठीक से सुनो, गलती हो गई कोई बात नहीं, उसे मान लो, अगर दूसरा कोई गलती करे तो उसके लिए उसे पीटो नहीं, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा खेलो, थोड़ा नाचो गाओ, खुशी और सादगी ये ज़िंदगी के नियम हैं, इनमें मुश्किलें आती है, उससे घबराना नहीं। घर में मैं जन्मा था और पला था एक शहर में, एक घर में मैं जन्मा था और पला था एक शहर में, एक घर में मैं जन्मा था और पला था एक शहर में, फिर कहां से आई ये दुनिया अनजानी, ये जमीन है किसकी और किसका है पानी, क्या है मेरा क्या है यार किसी का, सबका जो बन जाए सब है उसी का, इस मोड़ पे पीछे मुड़कर, इस मोड़ पे पीछे मुड़कर, मेरे दिल के अंदर झांक रहा ये रास्ता, I wanna reach nowhere, destination I don't care, I wanna reach nowhere, destination I don't care, I don't care, I just don't care, I don't care. Hello Kartik. हाँ बाबा बोल रहा हूँ, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा, मेरी चिट्ठी मिली होगी? हाँ मिली थी। तो फोन क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला बाबा। इतने बिजी हो गए हो, अपने भविष्य का ख्याल नहीं है तुम्हें? इस प्रोजेक्ट के बाद क्या करना है, कुछ सोचा भी है? हाँ सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम सोचते रहो। भारतीय जनमित्र फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है
जो विज्ञान, तंत्र ज्ञान और लोक कल्याण, इनका रिश्ता जोड़ रही है। सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य एक ही है, शाश्वत उपजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, आदिवासियों की क्षमता और आमदनी बढ़ा के गरीबी हटाना। हमारे लिए तो सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को इतना सक्षम बनाए कि अपने विकास के काम वो अपनी जिम्मेदारी पे खुद ले सके और वैसे काम करने में वो हमारी जरूरत महसूस ही ना करे। तब उन्हें दोस्ती का वास्ता देकर हम यहाँ से चले जाएंगे, ये हम चाहते हैं। मैं जब यहाँ आया था तो जैसे कमरा खाली खाली था वैसे ही खाली खाली छोड़ के जा रहा हूँ, पर मन उस कमरे जैसा खाली नहीं है, पूरा भर गया है। देखो आते आते सब सेंटर पे जाके आ रहा है और ये सब वहाँ पे छोड़ गया। रवि साहब का सामान अंदर कर। थैंक यू सर, फाइनल रिव्यू मीटिंग के लिए ज़रूर आऊँगा और ये मेरी रिपोर्ट। थैंक यू, यू वेर डेफिनेटली एन एसेट टू द प्रोजेक्ट। एक बार जो कोई इस परिवार का सदस्य बनता है वो परमानेंट सदस्य बन जाता है। आप कहीं भी जाओ, यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट भारतीय जनमित्र फाउंडेशन। थैंक यू सर। अरे अरे, शुभम भवतु। रुको रुको रुको, मैं रखता हूँ। हेलो सर। अरे आप लोग। सर मैंने कमला जी को कहा कि अब हम सर के परमिशन नहीं पूछेंगे, सीधा उनका विदा करने के लिए उनके घर पे जाएंगे। अगर पूछते तो आप ना कहते ना। सर ये धन्यवाद बड़ा फॉर्मल लगता है। सर अगर मेरे लिए कुछ जॉब, मेरे लायक कुछ जॉब या विदेश जाने के लिए फेलोशिप की सूचना मिले तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए अपने ही ऑफिस के पते। थैंक यू। अरे अरे सर, पिछले 5 सालों के लिए धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिए सर। ये नागली की रोटी और अचार है, रास्ते में खाइए। कुछ ही दिनों में पता नहीं आप कहाँ होंगे, क्या करते होंगे। हमें भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं, पर जब तक इस रोटी और अचार का स्वाद आपके मुंह में है तब तक तो हमें याद रखेंगे। मैं क्या कहूँ, लेकिन ये स्टील का डिब्बा क्यों? तो इसे वापस करने दोबारा आ जाइए। क्या हुआ? आप जा रहे हो? हाँ, क्या क्या हुआ? आप बहुत अच्छे आदमी हो कोलगू। अरे रो मत रो मत, मैं किसी का रोना सह नहीं सकता। रो मत कोलगू। सर आप मेरी शादी में जरूर आना सर। आऊंगा आऊंगा आऊंगा। डब्बा खा लेना सर। हाँ खा लूंगा, चलो चलो। रावा का पता चलते ही मुझे फोन करना। हाँ सर। कोई जल्दी नहीं है, उसे अपने गति से जाने दो, हम जाएंगे धीरे धीरे। संभाल के पकड़ के बैठना। हाँ, पर तुम गाड़ी का क्या करोगे? ऑफिस में से किसी को बोल दूंगा, वो आके पंक्चर निकाल के ले जाएगा।
सच बताओ कार्तिक, तुमने हमारे साथ बहुत सही लोग दिए शूटिंग के लिए। ये अच्छे लोकेशंस भी मिले और अच्छे सिचुएशंस भी। वेणु और रावा बहुत काम के लोग हैं। तो कैसे लगता है इन लोगों के साथ रह के? कभी कभी लगता है इन लोगों की चाह क्या है, सपने क्या है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। कितने अलग है ये लोग मुझसे। पर फिर लगता है कि रहन सहन में कितना भी फर्क हो, कई मन की गहराई में हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं। जानते हो, वो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद उस दिन रावा यूं ही अकेले चल पड़ा। हाँ। तो मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मुझे बोला जंगल में मोर देखने। जस्ट इमेजिन। कल जाने से पहले क्या तुम मुझे ले जाओगे मोर देखने जंगल में? मैं एक मिनट में जाके आया। मेरा मन कहता था तुम मुझे यही मिलोगे साहब। परसों से नाचने वाला मोर ढूंढ रहा था जंगल में, आज सुबह दिखाई दिया। पानी पीने आए थे मोर यहाँ। देवाबा कितने परेशान हो गए थे पता है? तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, आप जाइए, सुरेश साहब ने बता दिया है मुझे, आप मेरे जैसे दूसरे रावा की मदद करने जाओगे। सच है रावा, मुझे डर लगा था कि तुम सचमुच मुंबई ना भाग जाओ। मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? अपने छोटे से चरक सेंटर का बड़ा अस्पताल जो बनाना है ना मुझे। मैंने चिट्ठी लिखी तो आप जवाब देंगे ना? हाँ जरूर। अब मुझे जाना होगा रावा।
मुझे भी। तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, आपकी गाड़ी तो वहां बड़े रास्ते पे होगी ना, मेरा गांव उस दिशा में। हेलो सर। सर, हमारा ओरिसा प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? यस सर। थैंक यू सर। पगला चोर चला किस ओर, तोड़ के डोर लगा के जोर चला जा। पगला चोर चला किस ओर, तोड़ के डोर लगा के जोर चला जा।